जय भोलेनाथ दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान जी। 7:21 हुई है, वेनेसडे है, सुबह के एग्जैक्टली 7:22 और 8 मई 22405 चल रहा है गिफ्ट निफ्टी 23 पॉइंट्स प्लस में। चलिए, तो आज बुधवार है, कल इलेक्शंस का तीसरा चरण हुआ और सूरत में भी वोटिंग थी और सम पार्ट ऑफ सूरत, नॉट ऑल पार्ट। तो चलिए आज की बात करते। कल आपको एक डरावना दिन लगा होगा। हेलो ओ कल आपको डरावना दिन लगा होगा कि सब कुछ ख़त्म। तो मैंने क्या बोला, अगर आज गिर जाए तो बहुत अच्छी बात है, कल यही बोला। और आप 3:25 पे ले लीजिएगा और ड्यूरिंग द डे भी आपने लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कल पहले से ही जानता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि सबको अगर आउट करना है तो पहले एक बॉल हमको 9 बॉल फेंकनी पड़ती है, जिसमें लोगों को लगता है फ्री हिट है। लेकिन फ्री हिट में भी तो लोग रन आउट होते हैं यार। फ्री हिट में आप बोल्ड आउट, कैच आउट, स्टंपिंग नहीं हो सकते, बट रन आउट हो सकते। तो फ्री हिट के चक्कर में अगर हमने आप ज़्यादा भाग गए, ज़्यादा मंदी कर ली, तो आज आप रन आउट होने वाले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो आज मोटा मोटी ये मैं बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी एक जबरदस्त उछाल मारना चाहिए और निफ्टी भी उछाल मारना चाहिए। बट निफ्टी में स्टिल देर इज सम प्लेस। फिर भी मैं अगर आपको एक लेवल दे देता हूँ कि 22100 को आप स्टॉप लॉस मान के चलो और मिनिमम टारगेट अपना 22850 रखो, मिनिमम टारगेट 22850, और हो सकता है आप 23,000 को भी आराम से क्रॉस करो, ठीक है। तो ये है, और कल लगभग 22300 पे बंद हुआ है। तो मैं 100 का आपको स्टॉप लॉस इसलिए बोल रहा हूँ कि कल का लो अगर कट जाता है और उसके बाद 22100 भी दिखा देते तो फिर मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो हालांकि कल का लो नहीं टूटेगा, 90% मुझे चांस है, ठीक है, 90%। और बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि दोनों के PCR भी काफ़ी ओवरसोल्ड हो गए। हालांकि बैंक निफ्टी का तो हाईली ओवरसोल्ड है, मुझे लगता है ये 3 दिन में अगर बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट या 1200 पॉइंट भी बढ़ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये 3 दिन में बुध गुरु शुक्र, अच्छा सुना है 18 तारीख जो अगला शनिवार है, नॉट दिस शनिवार, अगला जो शनिवार आएगा 18 तारीख वाला, उसमें ट्रेडिंग चालू रहेगी वो डिज़ास्टर रिकवरी वाली, 1 घंटे की लगभग की फेज में, 2 फेज में, ठीक है। तो आप भी पता कर लीजिएगा, मैंने देखा था आज TV पे, तो वो शनिवार को, मतलब वो डिज़ास्टर रिकवरी, अच्छा सेबी ने उसको जो प्रस्ताव था कि टाइमिंग बढ़ाने का इवनिंग में ट्रेडिंग होने का, तो सेबी ने हाल फिलहाल के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया NSE के उस प्रस्ताव को, क्योंकि ब्रोकर्स एसोसिएशन ने ऐसा बोला है कि देखिए बैंकिंग सिस्टम भी इतना दुरुस्त नहीं है कि शाम को भी अच्छे से काम करें। तो वो कई उन्होंने अपनी रीजंस दिए फॉर दैट, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन दैट हैज़ बीन कैंसल्ड फॉर द टाइम बीइंग बाय सेबी, रिजेक्टेड बाय द सेबी फॉर टाइम बीइंग द प्रपोजल ऑफ NSE टू इंक्रीज द टाइमिंग्स ऑफ ट्रेडिंग। अब चुनाव में देखिए, अब बहुत लोग बोलते हैं कि इस बार मोदी जी आएंगे ही नहीं, BJP आएंगे ही नहीं, अब
कल मैं वहाँ पे था तो वोटिंग सेंटर, कुछ लोग बोलते हैं बीजेपी का इस बार सुपड़ा सा, मैं बोलता हूँ कि अभी भी मुझे पर्सनली लगता है, देखिए मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि हम 400 भी पार करेंगे इस बार, क्योंकि ओपोजिशन ने ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला फॉर्मूला लाया कि हम सब एक है इंडी गठबंधन, दैट इज़ द मेन रीज़न दे विल लूज, अदरवाइज एंटी इनकम्पेंसी मोदी के खिलाफ थी, बट सिंगल हैंडेडली कोई भी पार्टी अपने आप को लड़ता हुआ दिखाती तो उसको सरप्राइज वाले रिजल्ट्स मिल सकते थे जो मोदी को 2014 में मिले, लेकिन जनता एक चीज़ जानती है कि दो चोर दो अच्छे, तीन चोर दो अच्छे, वो सरकार नहीं चलेगी, या सारे ही चोर, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है इजीली 400 प्लस, इजीली मतलब यूनाइटेडली, अकेली बीजेपी नहीं, उसकी जो पूरी गठबंधन है, दैट इज़ माय व्यू। सो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, और देखो अमेरिका कल भी बढ़ा ही है, तो आज कल और परसों ये तीन दिन में मुझे बैंक निफ्टी में मिनिमम 1000 पॉइंट, मैक्सिमम 1500 पॉइंट की रैली लग रही है ये तीन दिन में बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में आई कैन से अगर आज कल का लो नहीं टूटता है तो निफ्टी भी 23,000 के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उसको लगेगा 7 से 8 ट्रेडिंग डेज। मगर इस वीक में अगर पूछो और कल का लो आज नहीं तोड़ता है तो इस वीक में मुझे 22,650 से लेके, क्योंकि 300 पे चल रहा है अभी, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 650 से लेके 750 तक इसी वीक में जाता हो जाता है। दैट्स इट। तो आज का इतना, और वो 15,000 वाली ग्रुप के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, 3 साल के लिए आपको मिलेगा, 1 जून से आपका ये ग्रुप काउंटिंग करेगा, लेकिन ऑलरेडी आप आज से ही उसमें एनरोल हो जाओगे, आज से ही आपको सर्विसेज चालू हो जाएगी, लेकिन आपकी काउंटिंग होगी 1 जून 2024 से लेके 31 मई 2027 तक। इसमें एक तो ये बेनिफिट 3 साल के लिए 15,000, प्लस आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आगे मेरी जो भी क्लासेस होगी, क्लासेस वेबिनार्स, उसमें अगर आप ज्वाइन करोगे जो ये 15,000 की ग्रुप ज्वाइन, तो आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर मेरी अगली वेबिनार की फ़ीस सपोज 20,000 रुपये है तो आपको 14,000 का डिस्काउंट मिलेगा, और नॉर्मल पब्लिक को 20,000 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये एडिशनल बेनिफिट, आप चाहे वो क्लास लो चाहे मत लो, लोगे तो आपको 70% का फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये एक एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर है 15,000 में 3 साल। मतलब सुनने में भी कैसा लगता है यार, कभी कभी एक टाइम था कि एक महीने की मेरी इतनी फीस थी, एक महीने, ठीक है। तो मैं आज उस दौर से हट गया, मैं उतना पैसा कमाने की लालच में नहीं चल रहा, मैं अब सिंपल बस, ठीक है यार जो आता है ठीक है, अपने ज़िंदगी को शांति से जियो, ये सारा जितना पैसा लोगे उतना टेंशन आएगा, है ना। कम में रहो, प्रभु की भक्ति में रहो, मजा आए। और हमेशा देश हित में सोचो। तो आज तो मुझे एक ब्लास्टिंग तेजी वाला दिन लगता है, थोड़ा सा आपको कभी कभी हल्के से झटके देगा दिन में, आपको लगेगा कि नहीं, लेकिन डरना मत बस। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।